हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर फारिश का आई होप ऑल ऑफ डूइंग वेल अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट आफ्टर वन मंथ मैंने अपना स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ लास्ट वन मंथ सिर्फ मैंने अपना मॉर्निंग ही स्किन केयर रूटीन किया है ड्यू टू माय बिज़ी हैक्टिल शेड्यूल तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पर लगाया है क्लिनिंग तो इसको मैं अच्छे से मसाज करी राउंड राउंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपने भी सेम इसी तरीके से आपके फेस पर मसाज करनी है फुल फाइव मिनट्स के लिए अपने फेस पर अच्छे से मसाज करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं अपने नेक पर भी सेम मसाज कर रही थी जिससे जो मेरी नेक और फेस की स्किन है इवन टोन लगे इसके बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है दिस फेशियल स्पंज की हेल्प से तो इस पर दिख रहा था थोड़ा सा दर्द था तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप था स्क्रब जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने फेस पे करने के लिए वीकली इससे जो भी आपकी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है जो भी आपके ब्लैकेट्स वगैरह है आपकी स्किन पे ज़्यादा देर तक नहीं रहते तो आपकी स्किन बहुत क्लीन लगती है और ग्लोइंग रहती है तो एक्सपोलिएट करने के बाद मैंने अपनी स्किन को अच्छे से एक्सपोलिएट किया फॉर फाइव मिनट्स तो इसके बाद मैंने थोड़े से पोज भी दिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन पोजेस को डन करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया अपने फेस पे इसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश करने के बाद स्टीम दिया और मेरे फेस पे जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे मैंने उनको रिमूव कर लिया था जो कि मैंने स्किप कर दिया वीडियो में ऐड नहीं किया स्टेप तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप है क्रीम की मसाज जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी स्किन पे करनी तो मैं जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे सबसे ज़्यादा मुझे उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो मैंने सेम उसी तरीके से अपने फेस पे क्रीम को अप्लाई किया और उस सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से मसाज करना है अपने इस क्रीम के साथ भी अपने फेस पर अगर आपके पास पाँच से ज़्यादा मिनट है पाँच और दस मिनट की मसाज आप कर सकते हैं अपनी स्किन पर क्योंकि मैंने अपनी स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव किए थे इसके बाद हमारी स्किन को थोड़ी क्रीम की नरिशमेंट की ज़रूरत होती है इसलिए मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया अच्छे से मैं मसाज करी इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो को फास्ट कर दिया बिकॉज जब भी मैं इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ तो मैं बोर हो जाती है तो मैंने सोचा मेरी ऑडियंस भी बोर ना हो इसलिए मैंने अपनी वीडियो को कर दिया थोड़ा फास्ट आई होप यू ऑल ऑफ इंजॉइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था जेल अपलाइंग तो इसको आप हल्के से अपने फेस पर अप्लाई करना है उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने फेस पर लगाया है फेस मास्क लाइक फेस पैक जो कि आप लोग देखेंगे फेस पैक को लगाकर मैंने इसको दस मिनट के लिए अपने फेस पे रखा था उसके बाद उसको रिमूव कर दिया था इसमें भी मैंने एक ट्रांजेक्शन लुक ऐड कर दिया था तो एंड आप देख सकते हैं किस तरीके का किस तरीके का ट्रांजेक्शन किया इसके बाद मैंने अपने फेस पैक को रिमूव कर दिया इसके बाद मैंने अपने फेस पर एक लोशन लगाया एंड मॉइस्चराइज़र आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल बिकॉज जब भी हम अपने फेस पे फेस पैक लगाते हैं उससे हमारी स्किन हो जाती है ड्राई और हमारे पोर्स जो होते क्लॉक हो जाते हैं इसलिए अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र तो इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने फेस पे नॉर्मली मैंने अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर दिया है क्योंकि हमारे हैंड्स ने भी बहुत सारा काम कर लिया हमारे फेस पे तो हमारे में जो हैंड्स हैं वो भी ड्राई होते हैं हमें हमारे हैंड्स की के भी केयर करनी होती है इसके बाद मैंने जिम इन वाला टैप टैप मोशन बहुत यूज़ करते हैं अपने फेस पर इससे क्या होता है आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से इंक्रीज़ होता है तो It's the end of this video.